अब जो देखना है हमें वो देख रहे हैं कंपाउंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हम लोग समझ चुके हैं कि सिंपल पेंडुलम को किस तरीके से सॉल्व करना है। कंपाउंड पेंडुलम को देखते हैं, कंपाउंड पेंडुलम ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो कंपाउंड पेंडुलम कुछ भी नहीं, एक सिंपल कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको फिजिकल पेंडुलम भी कहा जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए आप और उसको जब आप क्या करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज यही है मार्कर, इसको आप पेंडुलम की तरह ट्रीट करना चाहो। वहां पर क्या था, आपके पास एक थ्रेड थी ठीक है, और उसके नीचे एक बॉब था जिसको आप क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे मासलेस थ्रेड थी, थ्रेड जो कि उसका कोई मास ही नहीं था, और नीचे एक बॉब था जो कि स्फेरिकल था और उसको आप क्या कर रहे थे, ऑक्सिलेट करा रहे थे ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिजिकल पेंडुलम कहा जाता है इसको, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आप क्या करो उसको पेंडुलम की तरह बनाने का कोशिश करो ठीक है। तो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, सपोज ये इस शेप में थी, और इसको क्या कर दिया, एक पॉइंट एस लिया जहाँ पर इसको पिवट कर दिया। अब क्या करा आपने, इसको थोड़ा सा इधर इसको खींचा और इसको छोड़ा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट कर लग जाएगा, सपोज ये है, और आपने क्या करा इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पर इसको पिवट करा और इसको आप ऐसे करके बन जाते, तो अब ये क्या करेगा, ऑक्सीलेशन कर लग जाएगा। तो ऐसा जब कोई पेंडुलम बनाते हैं तो उसकी मोशन किस तरीके से होगी, ये चीज़ हमें समझनी होती है कंपाउंड पेंडुलम में ठीक है। तो कंपाउंड पेंडुलम भी बिल्कुल वही काम करता है, हम क्या कर रहे हैं इसको उठाकर थोड़ा सा इधर कर रहे हैं, थीटा एंगल में क्या कर रहे हैं, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो अभी ये इनिशियल पोजिशन थी और थोड़ी देर बाद इसकी जो पोजिशन होगी वो ऐसी हो जाएगी ठीक है, वो ऐसी पोजिशन हो जाएगी सपोज ठीक। तो यहाँ पर जो इस आप क्या है, ये जो बॉडी थी, इस बॉडी का एक पॉइंट होता है, हर बॉडी का एक पॉइंट होता है जहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है, क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। तो वो सेंटर ऑफ मास सपोज इसका जो है वो यहाँ से एल दूरी पर स्थित है जो कि जी पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास है ठीक। अब क्या है, आपने इसको डिस्प्लेस कर लिया, जब इसको आपने डिस्प्लेस करा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, जी जी डैश आ जाएगा ठीक है, एल, और ये डिस्टेंस तो एल ही रहेगी और यहाँ से इस तरीके से मूव करेगा, और यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी हुई, थीटा हुई, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी हुई, इस केस में थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन बनेगी जैसे वहाँ पर, यहाँ पर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई है तो एंगुलर ऑक्सीलेशन हो रहा है यहाँ पर। तो जो सिंपल पेंडुलम ने किया था वही काम यहाँ पर कर लिया, जहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, टाउ की एक वैल्यू क्या लोगे आप, माइनस का एम जी एल साइन थीटा, पता है कैसे लेना है ना, ये टाओ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ वाले से लेना है, और एक आप लोगे इसकी वैल्यू आई इक्वल्स आई अल्फा जो कि आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर से मिलेगी आपको ठीक है, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर से मिलेगी। और अब जब ये वैल्यू ले लोगे उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों को साथ में रखोगे तो आपको मिलेगा आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, माइनस का एम जी एल साइन थीटा के। अब फिर से वही चीज फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशंस, फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशंस, अगर इस ऑक्सीलेशन आपकी स्मॉल है तो साइन थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा थीटा के ठीक है। अगर थीटा के बराबर होगा तो यहां पर जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ये रहेगा एम जी एल अपॉन आई थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब वहां पर क्या कर रहे थे हम, आई की जगह पर एम एल स्क्वायर ले रहे थे, आई की जगह पर क्या ले रहे थे, एम एल स्क्वायर ले रहे थे, लेकिन यहां पर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वहां पर हमें बॉडी की शेप पता थी ठीक है, हमें पता था कि जो ये पेंडुलम है वो किस शेप का है, ये एक थ्रेड है एल लंबाई की है ना, जो कि मासलेस है और इस पे एम मास का स्फेरिकल पेंडुलम लटका हुआ है, ये हमें पता था। तो इसके लिए जो इस सिस्टम के लिए एम एल आई आ रहा था उसकी वैल्यू एम एल स्क्वायर आ रही थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से, लेकिन यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं पता क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई होता है वो डिफरेंट होता है ठीक है। तो हमें आई नहीं पता तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो हम क्या करें इस आई की जगह पर, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, पहली चीज तो यहाँ से मैं एक चीज लिख सकता हूँ डायरेक्ट, इसको कंपैरिजन कर लूँ, अगर SHM की जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है कंपेयर कर दो इसको, कंपेयर
विथ, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। एस एच एम की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, इसको कंपेयर करो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर कर दो। तो यहां पर जो आपको ओमेगा की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, एम जी एल, एम जी एल अपॉन आई मिल रही है, ठीक है, ये ओमेगा। लेकिन अभी इसको और जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाएगा, और टी आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, टी भी मिलेगा, टी क्या मिल जाएगा बताया था मैंने, टू पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, टू पाई अपॉन ओमेगा। तो टू पाई आई अपॉन एम जी एल यह जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब यहां पर हम बात करते हैं कि भाई आई क्या रखना है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन का। देखो मैंने बताया डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके उसमें भी है टॉपिक में, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये डिफरेंट, इसकी वैल्यू आती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन हमें कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो जनरलाइज हो, जो हर जगह काम आ जाए। तो यहाँ पर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन होती क्या, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, एक अपने पास सपोज एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, ये पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ मास जो इसका मिड पॉइंट है, इसकी रेडियस आर थी। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था वो आ रहा था आपका हाफ एम एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर आ रहा था। और इस हाफ एम एम आर स्क्वायर की वैल्यू सपोज 100 थी एक बार, ठीक, ये थी। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या कहता है, रेडियस ऑफ गायरेशन कहता है कि सपोज जो भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, जो भी जिस भी शेप का ऑब्जेक्ट है उसको आपने पॉइंट मास बना लिया, उसको क्या बना लिया आपने, पॉइंट मास बना लिया, ऐसे करके एक स्फेरिकल पेंडुलम टाइप का बना लिया, उसको कंप्रेस करके बॉब बना दिया और उसको आपने एक थ्रेड से कनेक्ट करा, ठीक है, और आप उसको ऐसे करके घुमा रहे हो। अब ये क्या बन गया, एक रिंग शेप का बन गया। और रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है। तो अभी जो आपने एम है ये क्या है, इसकी इसका मास एम है और आपने ये करा इसको घुमाने लग गए। तो अब इसकी रेडियस आपने क्या ली, पहली बार में आपने सपोज आर वन रेडियस ली, आर वन रेडियस से जब आप एम की मल्टीप्लाई कर रहे थे तो जो आपको आई की वैल्यू मिल रही थी वहां पर वो 50 मिल रही थी, सपोज आर वन से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये 50 मिल रही थी, ठीक। आपने क्या करा, नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पर कितना था एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 था, तो आपने क्या करा इस रेडियस को और बढ़ाया, ठीक है, रेडियस को और बढ़ाया। अब आपने आर टू पे करा, जब आर टू रखा यहाँ पर, ठीक है, एम आर टू का स्क्वायर करके देखा तो आप देख रहे थे 80 आ रहा है, नहीं, तो आपने इसको और बढ़ाया रेडियस को, आपने देखा आर थ्री जो था इस पर इसकी वैल्यू, एम आर थ्री पर इसकी वैल्यू, आर थ्री का स्क्वायर जब आप कर रहे थे तो 100 आ जा रही थी फिर से, ठीक है। तो ये जो रेडियस होगी आर थ्री वो रेडियस क्या होगी आपकी, रेडियस ऑफ गायरेशन होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको के कह दिया उसने, ठीक है, इसको क्या कह दिया, के, यानी कि एम के स्क्वायर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी है उसका उसका आई उसके सेंटर ऑफ मास से क्या होता है, एम के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, किसके अनुसार, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो उसमें क्या होता है, वो रेडियस ऑफ गायरेशन कौन सी रेडियस होती है, वो रेडियस कि उस ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया होगा, पॉइंट मास बनाकर उसको जब घुमाया होगा तो वही आपको फिर से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। यहाँ पर 100 था सपोज, ठीक है, इसके लिए इसके सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास से जो जा रहा था एक्सिस उस पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो 100 था। आपने इसको छोटा करा और इसको आपके रेडियस बढ़ाते गए तो आपको जिस रेडियस पे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा वो इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन होगी, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक। लेकिन ये जो होता है एम के स्क्वायर ये कब होता है, हर बॉडी के सेंटर ऑफ मास से, जब सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रहा होगा तब ही पॉसिबल है। तो जैसे कि अगर ये है अपने पास, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पर डिपेंड करता है, तो सेंटर ऑफ मास से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। अगर यहां से मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं अलग होगा, क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि बॉडी कितनी आसानी से घूम पा रही है। तो यहां से बॉडी क्या होगी, को घुमा मैं अलग तरीके से सकता हूँ, यानी कि यहां से बड़ी आसानी से घूम रही है, यानी कि यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, यहां से बॉडी को आसानी से नहीं घुमा सकता उतना, ठीक है, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है। ठीक, तो डिफरेंट एक्सेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, तो अगर रेडियस ऑफ डायरेक्शन में बदल रहा हूं तो मुझे यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ठीक, अब क्या है, क्योंकि मैंने पेंडुलम को यहां पे कनेक्ट करा है, और अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को मिल रहा होगा एम के स्क्वायर, यहां पर इस आई की जगह पर जो एम के स्क्वायर मिल रहा है, वो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है इस वाले एक्सिस से, ठीक है, ये वाले एक्सिस से मिल रहा है, और मुझे चाहिए कहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मुझे अभी इस वाले एक्सिस से मिल रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास वाले जी वाले पॉइंट से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है, ये एम के स्क्वायर, मुझे इस वाले पॉइंट से चाहिए, तो इस वाले पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस वाले पॉइंट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके लिए मुझे क्या होगा, पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पैरेलल एक्सिस की थ्योरम ये कहती है, वो कहती है कि अगर सपोज आपके पास, ठीक है, क्या है, कोई बॉडी है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको उसके सेंटर ऑफ मास से पता है, यानी कि एक्सिस जो जा रहा है सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और उस पर आपको सपोज पता है क्या है एम, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले से पता है, आई सी एम पता है, सेंटर ऑफ मास से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और आपको कोई पॉइंट है जो कि क्या है एक्स डिस्टेंस पर है, इससे जो एक्सिस जा रहा है इस पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई एक्स निकालना है, तो इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालोगे, और इस बॉडी का जो पूरी बॉडी का मास है वो क्या है एम है सपोज, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स कैसे निकालते हैं, तो आई एक्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, आई एक्स कैसे निकालते हो, आई एक्स ऐसे निकालते हो कि आई सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉडी का मास, और वो जो एक्सेस है वो सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर है, तो एक्स दूरी पर है तो एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आप निकालते हो, तो यहां पर इस तरीके से आप पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगाते हो, ठीक है, तो यहां पर अगर पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगाओ, मुझे इस वाले एक्सिस से पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है एम के स्क्वायर है, यहां वाले से नहीं पता, तो यहां पर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, मुझे इस वाले एक्सिस पे निकालना है, तो सपोज आई एस पे निकालना है मेरे को, तो वो क्या होगा आई जी, आई जी पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस टोटल मास बॉडी का वो सपोज एम है, एम ही है तो एम है ना, और जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है यानी कि एल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आई की वैल्यू, यहाँ पर ये जो आई एस है ये आई, ठीक है, इसको आई कह रहे हैं, तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो यानी एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, तो यहां से एम कॉमन ले लो, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, तो जो पेंडुलम होता है कौन सा कंपाउंड पेंडुलम, ये बता रहा हूं मैं, तो कंपाउंड पेंडुलम के लिए जो आपका ये टी और ओमेगा आ रहा है, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आई की जगह पर ये चीज लिख सकते हो, तो आपका ओमेगा हो जाएगा क्या एम जी एल, आई की जगह पर आप लिखोगे एम, और के स्क्वायर और एल स्क्वायर, एम से एम काट देना, ये मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको टी की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है, एम से एम काट सकते हो, ठीक, और यहाँ पर ये हो जाएगा फिर 2 पाई के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन जी एम, तो ये एक वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है, तो आई होप जो आपको ये जो डेरिवेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। तो ये दोनों आपको वैल्यू पूछेगा और निकालने के लिए, इसके आपको जो स्पेशल केस भी होते हैं अगर आपको देखना तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, बाकी इतना मेरे ख्याल से काफी है, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा था लास्ट डे में इतना काफी है, कंपाउंड पेपर पेपर में आएगा, दो जगह है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।